आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसका शीर्षक है उत्तर व्यवहारवाद। हमने पूर्व के व्याख्यान में देखा कि डेविड स्टर्न ने परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक क्रांति को जन्म दिया जिसका उद्देश्य राजनीति शास्त्र को विज्ञान का स्वरूप प्रदान करना था, और उन्होंने इस हेतु विज्ञान अपने विषय में तकनीकों के प्रयोग के साथ साथ तथ्यों पर बल दिया और मूल्यों पर उन्होंने पहुंचा भी डाल दिया, क्योंकि मूल्य आधारित अध्ययन कभी भी विज्ञान पर आधारित नहीं होता है। तो उन्होंने हमारे विषय से मूल्यों को अलग करके तथ्य यानी तथ्यात्मक अध्ययन पर बल दिया और वैज्ञानिक तकनीकों के आधार पर उन्होंने कहा कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर हम तथ्य प्राप्त करके सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। डेविड स्टर्न के व्यवहारवाद के आधार पर शोधकर्ताओं ने अनुसंधानकर्ताओं ने अध्ययनकर्ताओं ने अध्ययन करना प्रारंभ करा, लेकिन जो अध्ययन आए जो उनके निष्कर्ष आए वो समाज के या विषय के लिए अप्रासंगिक सिद्ध हुए, क्योंकि उनकी कोई उपादेयता नहीं थी, उनकी कोई उपयोगिता नहीं थी। तब एक ऐसा वर्ग हमारे शास्त्र में उत्पन्न हो गया जिन्होंने व्यवहारवाद पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उनका मत था कि ऐसा अध्ययन किस काम का जो समाज के कार्य कर काम ना आ रहा हो, ऐसा अध्ययन किस काम का जिसका उपयोगिता ना हो, तो ऐसे अध्ययन की अपेक्षा यह है कि हमें पुरानी पद्धतियों पर लौट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं उतने महत्वपूर्ण मूल्य भी हैं, हमारा जो विषय है वो समाज विज्ञान है और हमारे अध्ययन की सामग्री व्यक्ति है, और बिना मूल्यों के हम व्यक्ति का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा विषय विशुद्ध विज्ञान की भांति विशुद्ध नहीं है। अन्य जो विशुद्ध विज्ञान है उनके पास अपना क्षेत्र है, अपने अध्ययन की तकनीक है, उनके पास वो तथ्यों के लिए अपनी सामग्री है, लेकिन हमारे पास में व्यक्ति का और व्यक्ति का जो व्यवहार है वो समय परिस्थिति और समय के अनुसार बदलता रहता है और उसका अध्ययन करना संभव नहीं है। डेविड स्टर्न जो व्यवहारवाद के प्रमुख प्रतिपादक थे उन्होंने ही व्यवहारवाद की कमियों को उजागर किया और 1968 में शिकागो विश्वविद्यालय के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने व्यवहारवाद की कमियों को स्वीकार करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हमें व्यवहारवाद की कमियों को दूर करते हुए उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि ये उत्तर व्यवहार एक सुधार आंदोलन है, एक प्रति सुधार आंदोलन है, ये आगे की ओर कदम है, ये पीछे की ओर कदम नहीं है। इसका उद्देश्य व्यवहारवाद की कमियों को दूर कर व्यवहारवाद को प्रासंगिक बनाना है। इसका उद्देश्य जो शोध कार्य हो रहे हैं जो अध्ययन कार्य हो रहे हैं उनकी औचित्यता क्या है और ऐसे निष्कर्षों को प्राप्त करना है जो समाज के काम आ सके। अध्ययन को समाज का पूरक बनाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो अध्ययन हो रहा है उस अध्ययन का कोई उपयोगिता ना हो तो ऐसा अध्ययन व्यर्थ है। तो उन्होंने स्वयं मूल्यों को पुनः उसकी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। उन्होंने कहा कि जितने महत्वपूर्ण हमारे तथ्य हैं उतने महत्वपूर्ण हमारे मूल्य भी हैं, और हम बिना मूल्यों को शामिल किए हमारे विषय का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम विशुद्ध विज्ञान की भांति विज्ञान नहीं है, हम एक समाज विज्ञान है और हमारे अध्ययन की जो सामग्री है वो व्यक्ति का व्यवहार है। तो उत्तर व्यवहार व्याख्या करता है कि ऐसा अध्ययन जो समाज के कार्य काम आ सके, जो वर्तमान जगत में घटने वाली घटनाएं हैं उनका निदान कर सके और जो समाज को कुछ ऐसा दे सके जिसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए सुखदायी हो, कल्याणकारी हो। उत्तर व्यवहार के प्रतिपादक डेविड स्टर्न को कहा जाता है, और प्रासंगिकता पर इतना अधिक बल दिया गया इसलिए इसे प्रासंगिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर हम उत्तर व्यवहार की बात करें कि ऐसे क्या कारण उत्पन्न हुए कि हमें व्यवहारवादी से उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ा, तो हम देखते हैं कि सबसे पहला कारण व्यवहारवादियों की व्यवहारवाद में कमियां। व्यवहारवाद जिसका बड़े जोर शोर से यानी कि श्री गणेश किया गया और उसका एकमात्र उद्देश्य राजनीति शास्त्र में सर्वमान्य सिद्धांत प्रदान करना और राजनीति शास्त्र को विज्ञान का स्वरूप प्रदान करना था, लेकिन हम इस कार्य में इतने रत हो गए कि हमें ये तक भूल गए कि विश्व में क्या घट रहा है। हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद नवीन राष्ट्र उत्पन्न हुए, उन नवीन राष्ट्रों के मध्य गरीबी, भुखमरी, शस्त्रीकरण की होड़, पर्यावरणवाद, कई ऐसी तरह की समस्या उत्पन्न हो गई और संपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं हर राष्ट्र की वो इनके निदान पर ध्यान देने लगी, इनके निदान की तरफ पहुंचने लगी। संपूर्ण विश्व परमाणु बम के
चखीर पर बैठ गया। विश्व दो भागों में डिवाइड हो गया, अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवाद और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवाद। लेकिन हमारे व्यवहारवादी जो विचारक हैं, जो अनुसंधान करता है, अध्ययन करता है, उनका ध्यान इस ओर नहीं गया। उनका तो एकमात्र उद्देश्य था कि केवल हमें वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण करना है, सर्वमान्य सिद्धांत का निर्माण करना है। और जबकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो उद्देश्य है, हमारे विषय के साथ जो विद्वान है उनका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि अध्ययन कितना प्रासंगिक हो और जो आप काम कर रहे हो उसका समाज को कितनी उपयोगिता होगी, उसकी कितनी उपयोगिता होगी, उससे समाज को क्या फायदा होगा। चाहे वो सिद्धांत किसी काम का ना हो, लेकिन अगर सिद्धांत समाज की समस्याओं का समाधान कर रहा है तो उसका मतलब वो सिद्धांत सर्वमान्य है। तो हम देखते हैं कि पहला कारण व्यवहारवाद में ही कुछ कमियां थी। दूसरा कारण हम देखें कि वैज्ञानिक पद्धतियों पर अत्यधिक बल। हम व्यवहारवादी केवल वैज्ञानिक तकनीकों पर, वैज्ञानिक सोच पर इतना अधिक बल देते गए कि वो ये तक भूल गए कि हमारा जो विषय है वो समाज विज्ञान है और इसका उद्देश्य एक आदर्श नागरिक का निर्माण करने के साथ साथ एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो समस्या विहीन हो, जो भाईचारे पर आधारित हो, जो बंधुत्व पर आधारित हो। लेकिन हमारे व्यवहारवादी जो है वो इस चीज को भूल गए। तीसरा कारण तात्कालिक घटनाक्रम। हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संपूर्ण विश्व में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो गई। व्यवस्थाओं में राजनीतिक उथल पुथल होने लगी, सत्ता परिवर्तन होने लगा, सत्ता लोलुपता छा गई, सत्ता का दुरुपयोग होने लगा। और हम देखते हैं कि परमाणुकरण का होड़ इस तरह से लग गई कि प्रत्येक राष्ट्र परमाणु हथियार बनाना प्रारंभ कर दिया। सैनिक संध्या होने लगी, सीटो, नाटो, सेल्टो, वार्सा पैक्ट, कई तरह की संध्या के कारण ये सैनिक गुट सामने आए। और साथ ही हम देखते हैं कि पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई, शस्त्रीकरण की होड़ प्रारंभ हो गई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, समाज में इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गई जहां पर व्यवहारवादियों का ध्यान नहीं गया। चौथा व्यवहारवादियों के उदय का कारण है कि मूल्यों को उनकी पुनः वास्तविक स्थिति लौटाना। हम देखते हैं कि व्यवहारवाद ने मूल्यों को अपने अध्ययन से निकाल दिया। उनका मत था कि हम जब तक मूल्यों को हम अध्ययन करेंगे तब तक हम जो है विज्ञान का स्वरूप प्रदान नहीं कर सकते, हमें तथ्य आधारित अध्ययन ही करना होगा। लेकिन हम ये भूल गए कि हमारा विषय जो है एक सामाजिक विज्ञान का विषय है और उसकी मूल सामग्री जो है मनुष्य है, और हम मनुष्य के व्यवहार को मूल्यों से अलग नहीं कर सकते हैं, हम मूल्यों को हमारे विषय से अलग नहीं कर सकते हैं। मूल्यों को हमारे विषय से निकालने का मतलब ये होगा जिस प्रकार से एक शरीर से आत्मा को निकालना होता है, और हम खुद इस आत्मघातीकरण को नहीं उठा सकते हैं। डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की कुछ विशेषताएं बतलाई जिन्हें प्रासंगिकता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है या उसकी मान्यताओं के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहली है प्रगति से पुरुषा। डेविड स्टर्न कहते हैं कि जो अध्ययन किया जा रहा है उसमें तकनीक महत्वपूर्ण नहीं है, अभी तो यह महत्वपूर्ण है कि उस अध्ययन का आधार क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। अगर अध्ययन समाज के कार्य काम आ रहा है, समाज की समस्याओं का समाधान कर रहा है, राजनीति व्यवस्था को सहयोगी बन रहा है, तो इसका मतलब वो अध्ययन पूर्ण है और वो अध्ययन हमारे समाज को स्पष्टता प्रदान करेगा, हमारे समाज, हमारे जो विषय है उसको परिपूर्ण करेगा। लेकिन ऐसा अध्ययन जिसका उद्देश्य केवल तकनीक पर आधारित हो, तथ्यों पर आधारित हो और जो प्रासंगिक हो, जिसकी कोई प्रासंगिकता ना हो, ऐसा अध्ययन व्यर्थ है। तो वो कहते हैं कि प्रविधि तकनीक तो महत्वपूर्ण है, लेकिन तकनीक से महत्वपूर्ण है सार कि वो अध्ययन किस लिए कार्य आ रहा है। इसलिए व्यवहारवाद की जो मूल मान्यता है वो उस नारे पर आधारित है कि उत्तर व्यवहारवादी ने एक नारा दिया, एक प्रासंगिक सुनिश्चितता से स्पष्ट होना कम बुरा था। दूसरी इसकी मान्यता जो है वो है सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अध्ययन का उद्देश्य समाज में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना है, क्योंकि हमारा जो विषय है वो समाज से जुड़ा हुआ है। अगर समाज में समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब हमें हमारे विषय को उसके अनुरूप ढालना होगा और उसी के अनुरूप हमें हमारे विषय की पद्धतियों या तकनीकों में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि समाज पहले है ना कि तकनीक पहले है। तो वो कहते हैं कि
हमारे जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उसको हमें देखना होगा और उस सामाजिक परिवर्तन के आधार पर अध्ययन करना होगा। तीसरे इसकी जो प्रासंगिक मान्यता है वो है समस्याओं के विश्लेषण निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि वर्तमान समय में जो समस्या उत्पन्न हो गई है समाज के सामने उनका अविश्वसनीय या उनका एक सार रूप में निदान सोचना आवश्यक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आणविक हथियारों की दौड़ प्रारंभ हो गई है, शस्त्रीकरण की दौड़ प्रारंभ हो गई है। हम देख रहे हैं कि अब हर राष्ट्र किसी सैनिक गुट का सदस्य बन रहा है। भुखमरी, बेरोजगारी, शस्त्रीकरण की होड़, गुट में शामिल होने की होड़, कई तरह की समस्याएं हमारे समाज के अंदर उत्पन्न हो गई है। अब इसके परिणाम से हम देखते हैं कि पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई है, आर्थिक अस्थिरता आ गई है, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है व्यवस्थाओं के अंदर। तो उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि हमें समस्याओं का विश्वसनीय निदान खोजना होगा और उसके लिए हमें ऐसा अध्ययन पर बल देना होगा या अध्ययनकर्ता को ऐसा अध्ययन करना होगा जो समाज की समस्याओं का निदान कर सके। तकनीक महत्वपूर्ण नहीं है, अगर तकनीक आए आड़े आए तो तकनीक को छोड़ दो, लेकिन उसकी प्रासंगिकता को नहीं छोड़ा जा सकता है। चौथी इसकी विशेषता है मूल्यों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करना। हम देखते हैं कि व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन से मूल्यों को निकाल दिया और कहा कि मूल्य आधारित अध्ययन के आधार पर हम विज्ञान का स्कोप, हमारे विषय को विज्ञान का स्वरूप प्रदान नहीं कर सकते हैं और हमारा अध्ययन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। लेकिन व्यवहारवादी ये भूल गए कि हमारा विषय समाज विज्ञान का एक पार्ट है और हमारा विषय की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो मूल्यों से जुड़ी हुई है और मनुष्य के अध्ययन से अगर मूल्यों को हम अलग कर देंगे तो वो अध्ययन हमारा अपूर्ण होगा। उस अध्ययन के आधार पर हमारे विषय का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं उतने महत्वपूर्ण मूल्य हैं। जितना हमको विज्ञान बन जितना हमारा जो कार्य है विज्ञान बनना है उतना ही महत्वपूर्ण कार्य है व्यक्ति को व्यक्ति बनाना, एक नागरिक बनाना और एक सभ्य समाज की स्थापना करना, और वो बुरा बिना मूल्य के होना संभव नहीं है। पांचवी इसकी विशेषता है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि जो काम है कि अध्ययन प्रासंगिक हो और कर्म ऐसा हो जो समाज के काम आए, ये तभी संभव है जब बुद्धिजीवी अपनी भूमिका को स्वीकार करे। बुद्धिजीवियों को अध्ययन के लिए ऐसी तकनीकों का प्रयोग करना होगा, अध्ययन में ऐसे अध्ययन को सम्मिलित करना होगा जो समाज में घटने वाले घटनाक्रम का निदान प्रस्तुत कर सके, जो व्यवस्थाओं में होने वाली उथल पुथलों का समाधान उत्पन्न कर सके, जो समाज में या राष्ट्र में जो समस्या उत्पन्न हो रही है वैश्विक स्तर पर उसका निदान कर सके। तो बुद्धिजीवियों की भूमिका है कि उन्हें अपने अध्ययन को परिपूर्ण बनाना होगा। छठी विशेषता है कर्मनिष्ठ विज्ञान। वो कहते हैं कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो ठीक है, लेकिन हमें कर्मनिष्ठ विज्ञान बनना होगा, यानी कि अध्ययन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। अगर कर्म अच्छे उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तो इसका मतलब वो कर्म जो है, वो जो कार्य है, वो वास्तव में ही समाज के लिए उपयोगी होगा और विषय के लिए भी उपयोगी होगा। सातवें इसकी विशेषता है व्यवसाय का राजनीतिकरण। वो कहते हैं कि अगर इस कार्य के लिए विश्वविद्यालयों को, संघों को, समुदायों को आगे आना पड़े तो उनको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी और इस कारण जो है जो व्यवसाय है उसका राजनीतिकरण करना पड़ेगा और राजनीतिकरण होना भी चाहिए क्योंकि हर वर्ग को इस कार्य के लिए भूमिका अदा करनी पड़ेगी। धन्यवाद।